विदेश मंत्री एस जयशंकर के हालिया इंटरव्यू को लेकर तृणमूल के राज्यसभा सांसद और पूर्व नौकरशाह जवाहर सरकार ने उन पर निशाना साधा है। जवाहर सरकार ने ट्वीट कर सवाल किया है कि क्या विदेश मंत्री को भूलने की बीमारी है या फिर वो बीजेपी के द्वारा विदेश मंत्री बनाए जाने को लेकर उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जवाहर सरकार ने जयशंकर से सवाल किया कि कांग्रेस के कार्यकाल में जयशंकर ने अच्छी जगहों पर पोस्टिंग का फायदा उठाया, लेकिन अब उनके मन में गांधी परिवार के प्रति इतना आक्रोश क्यों है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंटरव्यू में क्या कहा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ANI की संपादक स्मिता प्रकाश को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो बीजेपी में इसलिए शामिल हुए क्योंकि भारत के उत्थान और प्रगति के लिए बीजेपी सही समय पर सही पार्टी है। उनके इस इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस की जमकर आलोचना की और आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने उनके पिता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और उनकी काबिलियत को नजरअंदाज किया। उन्होंने ये भी कहा था कि 1980 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी तब उन्होंने उनके पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम को रक्षा उत्पाद के सचिव पद से हटा दिया था। राजीव गांधी ने भी किसी जूनियर अधिकारी को उनके पिता से पहले प्रमोशन दे दिया था। जयशंकर ने कहा कि उनके पिता रक्षा मामलों के उस दौर के सबसे बड़े जानकार थे, बावजूद इसके उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया। उनके इस बयान पर निशाना साधते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद जवाहर सरकार ने ट्वीट किया, जयशंकर ने उनके इंटरव्यू के दौरान 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित BBC की हालिया डॉक्यूमेंट्री पर भी बात की, जिसके संदर्भ में जवाहर सरकार ने उनके पिता के एक बयान को ही ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जयशंकर के पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने कहा था कि गुजरात दंगों में धर्म की हत्या की गई थी। जो लोग निर्दोष नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहे हैं वे अधर्म के दोषी हैं। जवाहर सरकार ने ट्वीट कर ये भी कहा था कि जयशंकर के पिता ने गुजरात दंगों के लिए BJP की आलोचना की थी, उसे असुर बताया था, लेकिन उनका बेटा उन्हीं लोगों की सेवा कर रहा है। बहरहाल आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आज तक।